Hello dear students, welcome back to my channel. As I always bring a lot of questions, and you can see the sets of questions for you guys to prepare yourself for all upcoming nursing officer exams so well. So in this video also I have brought 100 most important questions for you all to prepare yourself to the fullest. If you found any kind of error, or if you think that this question and the answer is not matching, then you can correct it in a comment box, but at least you will get to know the questions. Okay, so let's get started. The first question is, which of the following is a common symptom of active tuberculosis? So in active tuberculosis, what is the common symptoms you will see is marked weight loss. Okay, next, the most common symptom of hypoglycemia. तो हाइपोग्लाइसीमिया में द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट कैन बी सीन इज नर्वसनेस एंड डायफोरेसिस. व्हाट इज डायफोरेसिस? इट इज एक्सेसिव स्वेटिंग. नेक्स्ट, विच विटामिन इज कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन? सो ब्यूटी विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन ई. नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाई, सो आफ्टर ओवुलेशन द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाई कॉर्पस ल्यूटियम. नेक्स्ट, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, सीजेशन मीन्स कंप्लीट कट ऑफ, और द लेडी हु डोंट गेट, द लेडी हु डजंट गेट मेंसेस एनी मोर. तो ऐसी औरतों में जब मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज कहते हैं. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो एक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आईएल्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो आप सबको पता है कि ये पैंक्रियाज में होता है. तो आईलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. नेक्स्ट, द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड, तो मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड, सॉरी आई फॉरगॉट टू मार्क इट, एंड द मेल सेक्स हार्मोन इज ऑफकोर्स आंसर डी, टेस्टोस्टेरॉन. नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन आर, सो देर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन एन अडल्ट. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, तो वॉट डज टू प्रोड्यूस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लोइड फ्लूइड. कोरॉइड प्लेक्स, वॉट इज कोरॉइड प्लेक्सस? इट इज फाउंड इन ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. वॉट इट डज? इट प्रोड्यूस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. नेक्स्ट, द सेरिबेलम इज कंसर्न विथ, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ CVA, यानी कि सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, या फिर इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, जो किस वजह से होता है? एथीरियोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बोसिस, जिसको हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं. नेक्स्ट, द pH ऑफ फ्रेश यूरिन इज, तो जो pH होता है फ्रेश यूरिन का वो 6.2 टू 6.3 के रेंज में आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. RH फैक्टर कैन प्रोड्यूस, जो RH फैक्टर होता है वो क्या करता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एक कंडीशन होता है जो कि न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस RH फैक्टर. नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम, नो सॉरी, पल्स प्रेशर इज डायस्टॉलिक प्रेशर, सिस्टॉलिक प्रेशर, और द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टॉलिक एंड द डायस्टॉलिक प्रेशर, और द प्रेशर इन पल्मोनरी टर्म्स, हियर इट शुड बी ट्रंक. तो सो द आंसर इज डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टॉलिक एंड डायस्टॉलिक प्रेशर. नेक्स्ट, एडिमा क्यों होता है? तो एडिमा इज ड्यू टू इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स, रिड्यूस्ड रिटर्न ऑफ लिम्फ, इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर, तो इन सब की वजह से होता है. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन कुड लीड टू, तो अगर आप रिमूव कर देते हैं गॉल ब्लैडर तो क्या हो जाता है? फैट या फिर प्रोटीन के डाइजेशन में कोई इम्पेयरमेंट नहीं आती है, और जॉन्डिस भी नहीं देखने को मिलता है. लेकिन जो, तो जब गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं तो जो गॉल ब्लैडर जो रिलीज़ करता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली गॉल ब्लैडर से कहीं और ना जाके डायरेक्ट वो एब्डोमेन में आ जाता है, तो इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड मस्कुलर वीकनेस आर डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये सब विटामिन बी की वजह से होता है. नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज
that everybody knows. When it is asked internal organ, then you will write liver. When it is asked external, then you, if option will be there, तो आपको वहाँ पे skin लिखना पड़ेगा. Next, the blood vessel in which the oxygen content is highest in the fetus is, तो जो कौन सा ऐसा blood vessel है बच्चे का, newborn baby का, जिसमें oxygen सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है inferior vena cava. India's national health policy was approved in the parliament. तो जो health policy सबसे पहले अप्रूव हुई थी parliament में, तो वो हुई थी 1983 में. और अभी जो recently उसमें जो changes लाए गए हैं, वो हुआ है 2017 में. Next, the measure of health status of children in community is on the basis of infant mortality rate. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे का पूछा है. Next, which of the following food constituents are more required by pregnant women? So iron is the most required nutrient, mineral or the constituents in pregnancy. Next, an antenatal mother is ordered to have a diet that contains 90 gram of protein each day. How many calorie will contribute to her daily weight? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 gram protein में 4 किलो कैल होता है. तो 4 को आप अगर 90 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 कैलोरीज आ जाएंगी. नेक्स्ट, द एंटीडॉट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो मोस्टली प्री एक्लेम्शिया या फिर एक्लेम्शिया विद सीजर्स में हम मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं ड्यूरिंग लेबर. और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे देते हैं तो उस टाइम पे कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है. ये एंटीडॉट की तरह काम करता है. द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट बर्थ इज़, तो एक नॉर्मल बेबी का जो बॉडी में ब्लड होता है वो कितना होता है, 85 ml पर kg होता है. और बेबी का वेट होता कितना है, 3 kg होता है, यानी कि 85 ml इंटू 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी, तो सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी में जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट देखा गया है वो है रिंगिंग इन द ईयर्स. यूरिनरी ब्लैडर इज़ लाइंड विद, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल एपिथेलियम से लाइंड होता है. क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा यूरिन एकोमोडेट करने की, तो ये एक्सपेंड करके ज़्यादा यूरिन एकोमोडेट कर सकता है. नेक्स्ट, स्प्रेन इज़ ड्यू टू पुलिंग ऑफ, तो स्प्रेन जो होता है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दौड़ते वौड़ते हैं तो कभी कभी आपके घुटनों में या फिर कहीं पे भी या बॉडी के किसी पार्ट में स्प्रेन हो जाता है, तो वो किसके पुलिंग की वजह से होता है, तो वो आपके लिगामेंट्स की वजह से होता है. नेक्स्ट, रिकेट्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो वाइटमिन डी की वजह से होता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैकेनिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो मैकेनिकल मेथड इज़ अ मेथड विच क्रिएट्स अ बैरियर, तो बैरियर जो क्रिएट करता है वो मेथड्स हैं सच एज कॉन्डोम वगैरह. नेक्स्ट, करतार सिंह कमेटी इज़ अदरवाइज नोन एज, यानी कि करतार सिंह कमेटी को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो होगा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ नॉट बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, आई एम सॉरी आई हैड रिटन दैट नॉट, बट नॉट इज़ नॉट देयर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ नॉट बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, सो इट्स रिफाम्पिसिन विच इज़ यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वन मोर मेडिकेशन एंड इट बिकम्स डैप्सन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, सो फ्रूजामाइड इज़ अ लूप डायूरेटिक, मैनिटॉल इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड एलेडेक्टॉन इज द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक. नेक्स्ट, द पोजिशन मोस्ट सूटेड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज, सपोज अ पेशेंट इज़ नॉट कॉन्शियस, सो यू वॉट पोजिशन यू विल गिव सेमी प्रॉन पोजिशन. ऐसा पोजिशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो उसका लंग्स है वो अच्छे से एक्सपैंड हो जाए विदाउट एनी स्ट्रेस. नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर प्रिपेयरिंग हॉट वाटर बैग इज़, जो हॉट वाटर बैग में आप गर्म पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 37 to 42 degrees centigrade, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, सैंड बैग किस लिए यूज़ किया जाता है, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप और इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई, इन तीनों को प्रिवेंट करने के लिए सैंड बैग यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ हीमोपेटाइसिस, सो हीमोपेटाइटिस इज़ ब्लड इन स्पूटम. नेक्स्ट, फॉर कॉन्टीन्यूअस ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड द नेजल कैथेटर शुड बी चेंज्ड, सो इट शुड बी चेंज्ड एवरी 48 hours, बट इट्स नॉट रिटन एनी वेयर, यू कैन चेंज इट आफ्टर अ वीक, दैट इज 7 days.
The causative organism of dengue fever is, so it is arbovirus. Next, the desired quantity of free residual chlorine in drinking water is, so the desired quantity is 0.5 mg per liter, not more than this. The vitamin which is involved in fat, protein and carb metabolism is, so it is thiamine. Next, the hormonal contraceptives are that can be oral, injectable and implantable. Next, poliomyelitis is transmitted through, so it mainly transmitted through food and water, so here water is the option. Next, MCH services include maternal and child health services, include prenatal and postnatal care, under 5 care, planning, family planning services. So all of the above is the right. The recommended maximum noise volume for human being is 86 decibel. It shouldn't cross this 86 decibel. Otherwise, it may cause impairment to the ears. The best method of refuse. The best method of refuse disposal in a hospital. So, जो hospital के waste होते हैं, उसको refuse करने का सबसे जो best method होता है, वो होता है incineration होता है. Next, MTP Act was passed in the year. So, MTP Act जो pass किया गया था, वो था 1972 में. और जो सबसे पहले ये इसकी जब चर्चा हुई थी, वो हुआ था 1971 में. मतलब 72 में ये काम करना शुरू कर दिया था और 72 में पास हो गया, 71 में इसको पास किया गया था और 72 में इस पे काम करना शुरू हो गया था. नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी विद इन नॉर्मल लिमिट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो 500 ml, इससे ज़्यादा होगा तो वो PPH कहलाएगा. द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मेटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज़, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट कॉज है वो है हेमरेज. नेक्स्ट, अगर किसी का LMP 13th जुलाई है तो उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगा. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 13 में सबसे पहले 7 ऐड करना है. तो 13 में 7 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20. अब जुलाई को छोड़ के आपको 9 महीने काउंट करते हैं, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल 2004. ठीक है, तो यहाँ पे 20 अप्रैल 2004 इज़ द राइट आंसर. द यूनिट ऑफ मेज़र कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, तो जो इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स होता है उसमें कौन सा यूनिट लगाते हैं हम, तो वो हम परसेंटेज में लिखते हैं कि इतना इफेस हुआ, इतने परसेंट से इफेसमेंट हो गया, 10-20%, 20-30%. ठीक है, नेक्स्ट, मिसेस लीला हैज़ प्लासेंटा प्रीविया, द मोस्ट लाइकली सिम्टम शी विल प्रेजेंट इज, तो जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसमें लेडी को क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग पेन के साथ नहीं होता है. तो दिस इज़ द कॉमनेस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड टाइप इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, सो जो हीमोलिटिक डिजीज़ होता है न्यूबॉर्न में, वो होता है अगर मदर RH नेगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो तो. ठीक है, नेक्स्ट, द वेन विच विल मोस्ट लाइकली टू बी यूज गिव एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द, तो जो हीमोलिटिक डिजीज़ होता है अगर बेबी में, तो उसमें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसमें जो वेन यूज़ होता है वो होता है अम्बिलिकल वेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़, तो एस्बेस्टोसिस और न्यूमोकॉकस एंड सिलिकॉसिस, ये तीनों जो हैं वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर अगर कोई इंडिविजुअल काम करता है ऐसी इंडस्ट्री में, जैसे एस्बेस्टस हो गया, सिलिकॉन हो गया, और तो ये होता है. लेकिन जापानीज एंसेफलाइटिस एक ब्रेन फीवर है जो कि एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ नहीं है. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लिवर एस, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे लिवर में स्टोर्ड रहता है. नेक्स्ट, द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज 3-5 mEq/L. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम माइट इंडिकेट दैट अ क्लाइंट इज डेवलपिंग टिटनी फॉलोइंग सब टोटल थायरॉइडेक्टमी, जो सब टोटल थायरॉइडेक्टमी होता है, तो उसमें पेशेंट अगर ये बताता है कि उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है उसकी फीट में, तो इट इंडिकेट्स कि उसको टिटनी इन्फेक्शन हो गया है. टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर्स और टोज, यू कैन से द फिंगर्स ऑफ लेग और हैंड. द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड. कॉन्स्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन इन द ब्लड.
तो यहाँ पे आप ब्लड पक्का लिखिएगा इन्फेक्शन का. एंड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज़ जोसेफ लेस्टर. वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड्स प्रोड्यूस. वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितना कैलोरी देता है, तो 9 ग्राम कैलोरी देता है 1 ग्राम फैट. एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन इज़ इट्स वाइटामिन ई को एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन भी कहते हैं. इसको ब्यूटी वाइटामिन भी कहते हैं और ये एंटी एजिंग भी है और ये फ्री रेडिकल्स से भी बचाता है और इसमें बहुत फ्री रेडिकल्स होते हैं और एजिंग प्रोसेस को भी ये कम करता है. नेक्स्ट, वेयर इज़ द वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड. सो वॉमिटिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट अक्कर आफ्टर रीनल बायोप्सी इज, सो हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट अक्कर आफ्टर रीनल बायोप्सी. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्पॉट इज सीन इन दैट इज मीजल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन स्कर्वी. सो वाइटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है. एन एग्जाम्पल ऑफ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज. तो कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज में एक जो आता है वो होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट. और भी 3 होते हैं, आप पढ़ सकते हैं. अप्रॉक्सीमेट टाइम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड इन द डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज़. तो आप कब से बच्चे को सॉलिड फूड उसके डाइट में देना चालू कर देते हैं, तो वो 6 to 8 months होता है. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल. तो एंटीरियर फॉन्टेनल मोस्टली जो होता है वो 16 to 18 months पे क्लोज होता है और जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो 4 to 6 weeks में ही क्लोज हो जाता है. नेक्स्ट, विल्म्स ट्यूमर इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग. जो विल्म्स ट्यूमर होता है उसको हम किडनी ट्यूमर भी कहते हैं, तो ये अफेक्ट करता है हमारे ट्यूमर को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन. तो चेस्ट पेन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द हार्ट मसल. सो इट्स डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द हार्ट मसल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर अ चाइल्ड क्लाइंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नॉट चाइल्ड, क्लाइंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो क्या आप असेस करेंगे कि कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, या समटाइम्स द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेज और इचिंग, तो ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम मस्ट बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर बाय अ पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन. तो हीमेटूरिया, ब्लड इन स्टूल और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं. तो इस ऑप्शन में यहाँ पे हीमेटूरिया है, यानी कि ब्लड इन यूरिन, तो हम रिपोर्ट करेंगे पेशेंट को. नेक्स्ट, इन अ पेशेंट रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट पेरिटोनाइटिस. तो पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम. तो इसमें क्या होता है कि इससे पुअर ड्रेनेज ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड की वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट, नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग कैन बी डन बाय. तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री होता है जिसमें किसी तरीके के कोई नीडल लगा के ब्लड निकाल के ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट के फिंगर्स पे लगा के मॉनिटर करते हैं. नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन अ न्यू बॉर्न हुज मदर इज रिसीविंग मॉर्फिन ड्यूरिंग लेबर इज, सो इट्स नेलॉक्सॉन. नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट DPT शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाया. तो DPT जो है, यानी डिप्थीरिया पर्टुसिस का जो रूट होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर रूट होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला. सो इट इज़ फ्रॉथ विल बी सीन इन माउथ कॉन्टीन्यूअसली. सो कॉन्टीन्यूअसली ड्रूलिंग विल बी सीन इन ट्रेकियोइसोफेशियल फिस्टुला. नेक्स्ट, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ 2-month-old बेबी इज. तो 2-month-old बेबी में ऑक्सीजन हुड जो है वो सबसे बेस्ट रहता है. नेक्स्ट, एबसेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन कॉलोन इज अ फीचर ऑफ. तो हर्षप्रुंग डिजीज में क्या होता है, जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो कॉलोन में नहीं होते हैं, एबसेंट होते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है और जो फीकल मैटर है वो उसी में कॉम्पैक्टेड रहता है विद इन कॉलोन. सो इसको ये हर्षप्रुंग डिजीज़ में देखा जाता है. नेक्स्ट, गैस्ट्रिक लवाज इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर इंजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो अगर कॉरोसिव अल्कलाई किसी ने अगर इंजेस्ट कर लिया है तो उसमें गैस्ट्रिक लवाज नहीं देते हैं. नेक्स्ट, इन एन अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम सीजेशन ऑफ फ्लूइड फ्लक्चुएशन इन द ड्रेनेज ट्यूब जनरली मीन्स दैट
it means that lung has fully expanded. Next, which of the following is a complication associated with the presence of tracheostomy tube? तो tracheostomy जो कि ट्रेकिया में लगा रहता है तो यानी तो न्यूमोथोरेक्स होने के इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमन कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर टू रेस्क्यूअर CPR इन अडल्ट? अगर टू रेस्क्यूअर रहेगा तो कंप्रेशन वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो होता है 15:2. अगर एक रहता है तो 30:2 रहता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू डिटर्मिन वेदर ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज पोजिशन इन द स्टमक? सो एस्पिरेटिंग विद सिरिंज फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट इज़ द बेस्ट मेथड, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो डन बाई इंस्टिलिंग एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग ओवर गैस्ट्रिक एरिया एंड और प्लेसिंग फ्री एंड ऑफ द ट्यूब इन द वॉटर इज ऑल्सो द बेस्ट मेथड. नेक्स्ट, पेशेंट विद अपर एबडोमिनल सर्जरी आर एडवाइज टू यूज़ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ पीरियड इन ऑर्डर टू? तो क्यों देते हैं हम? ताकि वो जो उसकी रेस्पिरेटरी इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जब पेशेंट को कोई भी सर्जरी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस चांसेस होते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम स्पायरोमेट्री देते हैं ताकि उसका जो लंग है वो फुल्ली फंक्शन करे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज़ यूजफुल टू असेस द लीवर फंक्शन? तो सीरम ट्रांसअमिनेज जो होता है वो टेस्ट होता है लीवर फंक्शन को असेस करने के लिए. वर्ल्ड नो टबेको डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 31 May ऑफ एवरी ईयर. विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इंडिकेट दैट द क्लाइंट विद सिरोसिस इज डेवलपिंग हिपैटिक एनसीफेलोपैथी? सिरोसिस भी है उसके साथ साथ हिपैटिक एनसीफेलोपैथी भी हो रहा है, तो क्या आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है. तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर्ड रहती है इस कंडीशन में. नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो हमारे कार्डियक टिश्यूज होते हैं वो क्या है? ऑटोमेटिक, उसमें रिदम रहता है. तो ऑटोमेटिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कार्डियक टिश्यूज़ की है. नेक्स्ट, वर्ल्ड हार्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो जो वर्ल्ड हार्ट डे होता है वो 29 September को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. मैं आशा करती हूँ ये जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कुछ अमेंडमेंट्स लगता है कि नहीं चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स.